जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वास्तु दोषों को दूर करने वाली एक दिव्य धातु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पारा एक ऐसी धातु है जो सभी वास्तु दोषों को दूर करती है और सुख समृद्धि को आकर्षित करती है। पारे में औषधीय गुण होते हैं, यह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। तो आज हम जानेंगे पारद गुटिका या पारे की गोली के फायदों के बारे में। दोस्तों पारा कुदरती तौर पर द्रव्य रूप में पाया जाता है। इसमें चांदी, दिव्य औषधियां या कुछ और चीजें मिलाकर इसको ठोस रूप दिया जाता है और इसकी गोलियां बनाई जाती है। पारद की गोलियों का उपयोग कई तरह से किया जाता है। आप इसको पहन भी सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं। पारे का उपयोग पुरातन समय से चला आ रहा है। बाजार में पारे और सीमेंट से बनी हुई टिकियां मिलती हैं। अगर हम इस पारद की टिकिया को अनाज के भंडार में रखते हैं तो अनाज में कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता और अनाज सुरक्षित रहता है। ऐसा इसके औषधीय गुणों के कारण होता है। इसी तरह से अगर आप बीमार हैं और आपके ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही तो आपको पारद की गोली का उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपको जोड़ों का दर्द, बीपी व शुगर जैसी बीमारियां हैं और दवाइयां आप पर काम नहीं कर रही तो आप पारे की गोली का इस्तेमाल करें। आप पारे की गोली को रात को पानी में डाल दें, सुबह उठकर इस पानी का सेवन करें। अगर आप किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता का सामना कर रहे हैं तो आप गर्म दूध में पारद की गोली डाल दें, फिर उस दूध का सेवन करें। इससे हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों अगर आपकी दुकानदारी या व्यापार नहीं चल रहा तो आप ऐसी 5 गोलियां ले और पैसे रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान आप ना जरूर रखें, आप मार्केट से कहीं से भी कोई भी पारे की गोली ना खरीद लें, क्योंकि अगर यह पारे की गोलियां सही ढंग से तैयार ना की गई हो तो यह आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। जिन लोगों ने भी पारद की गोलियां धारण की हैं या अपने पास रखी हैं उनको इसके शुभ फल प्राप्त हुए हैं। घर के कलेश दूर हो गए, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगा, शारीरिक दुर्बलता से छुटकारा मिला और जिन बीमारियों पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी वह रोग भी धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अगर आपकी दुकानदारी या व्यापार नहीं चल रहा तो आप ऐसी 5 गोलियां ले और अपने पैसे के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पारस से बना हुआ शिवलिंग जो हाथ के अंगूठे से भी छोटा हो अपने घर में रख सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, अगर आपका बृहस्पति कुंडली में खाना नंबर 12 में है तो आप गले में कोई भी गोल वस्तु धारण ना करें। दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप इससे जुड़ी और जानकारी पाना चाहते हैं या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय श्री।